हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में थोड़ा देखेंगे। वैदिक संस्कृति जो है दो प्रमुख भागों में विभाजित है। पहला तो है कि आपका ऋग्वैदिक काल, जो कि सबसे प्रारंभिक समय था। फिर उसके बाद एक उत्तर वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल के समय में बहुत सारे साहित्यिक स्रोत उस समय लिखे गए थे, और उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में बता दूं कि किसी भी इतिहास को जानने के लिए जो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, जो लिटरेरी जो मैटर आपको मिलता है, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है। तो अगर साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में देखा जाए तो हमारे इतिहास में सबसे प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य आपके वैदिक समय के ही मिलते हैं, जो ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में अमूमन लिखे गए थे। तो इन इनमें चूँकि ये प्रारंभिक साक्ष्य हैं, तो ये ज़्यादातर ये धार्मिक साक्ष्य थे। तो धार्मिक इसमें चीज़ें ज़्यादा पड़ी थी, लेकिन उससे भी हम उस समय के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में अगर हम देखें तो धार्मिक स्रोत भी आते हैं और लौकिक स्रोत भी आते हैं। धार्मिक स्रोत जैसे जो धर्म से रिलेटेड है, और लौकिक स्रोत जैसे किसी की जीवनी हो गई और कोई ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया जो किसी एक्चुअल इवेंट के बारे में बताया जा रहा हो, कोई फिक्शन ना हो, कोई मनगढ़ंत कहानी ना हो, कोई एक्चुअल इवेंट के बारे में कोई डिटेल हो, ये हो गया लौकिक। तो धार्मिक वाले में आपका बहुत ज़्यादा गॉड्स के बारे में प्रेयर्स और प्रेजेस ये सब भी हो सकती हैं, और कुछ कथाएं, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं जैसे रामायण, महाभारत, ये सब। लेकिन इनका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि हाँ ये सच में घटी थी या एक्चुअली ये स्टोरी है या क्या है, इसलिए इन्हें धार्मिक की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन फिर भी इनसे उस समय के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। धार्मिक स्रोतों को देखें तो दो तरह के धार्मिक स्रोत थे। एक तो ब्राह्मणीय स्रोत थे जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे, जो इस हिंदू धर्म के से रिलेटेड चीज़ें थी, वो स्रोत जो भी थे, जो वेद पुराण ये सारी चीज़ें थी। और एक 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 था जो दूसरा धार्मिक था, जो बौद्ध और जैन धर्मों के जो लिटरेचर थे, उनका जो लिटरेचर जो भी साहित्य था, जैसे त्रिपिटका और इस तरह से कई सारे उनके अलग अलग, और बौद्धों में चल के आगे हीनयान महायान के अलग अलग साहित्यिक स्रोत मिल जाते हैं। तो वो अलग एक ब्राह्मणेतर साहित्य बोलते हैं उसको। एक तो ब्राह्मणी साहित्य था और एक ब्राह्मणेतर साहित्य, ये धार्मिक स्रोत थे। लौकिक साहित्य में किसी किसी यात्रा का वृत्तांत कोई दे रहा है ना, और या कोई अपनी जीवनी लिख के उसमें रख रखा है, तो ये सब लौकिक साहित्य हैं। तो साहित्य के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इतिहास में, अपने भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास में साहित्य के स्रोतों की शुरुआत यहीं से होती है। और इसमें अगर देखें तो हम ये ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं, इससे जो पहले तो वैदिक स्रोत जो थे, वैदिक साहित्य स्रोत, ये ऐसे थे कि ये वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ये सब थे, लेकिन इन ये डायरेक्टली लिखे नहीं गए थे, ये सुने जाते थे, सदियों से अपने आने वाले वंशजों से सुनते जा रहे थे लोग। तो वो सुन के उनको कंठस्थ याद किया जा रहा था, है ना, मगअप कर लेते थे वो एक एक चीज़ें, वो सारे श्लोक, उनकी 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 जितनी भी टीचिंग्स थी, सब कुछ वो याद किए जाते थे, और याद करके जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किए जाते थे, वो आने वाली पीढ़ियों में याद कर लिए जाते थे। लेकिन बाद के कालांतर के समय में उन्हें लिपिबद्ध किया गया, उन्हें फिर से उन्हें किताबों के रूप में लाया गया, जब ये तभी ये वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सब सब लिखे गए, है ना, आगे चल के। तो ये जब सुन के लिखे जा रहे हैं, सुने सुने गए कहीं से फिर उसके बाद, तो इसलिए इनको श्रुतियाँ भी कहा जाता है। श्रुति श्रुति मतलब सुनी हुई चीज़ें, फिर उनको हमने लिपिबद्ध किया, उनको मतलब लिखा किताबों में,
ट्रांसफॉर्म किया। तो ये जो परंपरा थी इसको श्रवण परंपरा बोलते हैं, मतलब सुनने सुन के चीज़ें याद रखना। पहले के टाइम पे गांवों में भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें लोग रामायण मुझबानी याद रखते थे, सुनते थे अपने बचपन में, और इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो वो पहले सुन सुन के याद करने की चीज़ परंपरा बहुत थी, पढ़ने का बहुत ये नहीं था। तो फिर जब लिपिबद्ध की गई तो ये सारी किताबें अपने अस्तित्व में आईं, और ये एक छोटी सी चीज़ थी। बाकी हम आगे देखते हैं वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक काल के बारे में। ओके, प्राचीन भारतीय इतिहास इतना पुराना है कि छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ पाना, फिर उससे पूरी एक बड़ी पिक्चर बना पाना बड़ा ही मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो इतिहासकार इसीलिए साक्ष्यों का सहारा लेते हैं, जितने एविडेंस मिलते हैं उनको सही तरीके से बैठाते हैं, सोच समझ के उनका निर्धारण करते हैं। तो हमें एक पूरी हिस्ट्री की डिटेल पता चलती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें संशय शंका रहती है। तो इसमें इतिहासकारों के और रिसर्चर्स के जो मत हैं वो भिन्न हो सकते हैं। तो उसी में जो सबसे प्रभावशाली निकल के आता है, जो सर्वमान्य हो जाता है, उसी को हम मान के अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सारी घटनाएं, उनको आपस में जोड़ पाना कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इधर मॉडर्न पीरियड से, अगर उनकी कंपैरिजन में देखा जाए तो। तो हम आगे पढ़ते हैं उधर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने देख लिया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो एक 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 थ्योरी ये भी है कि वो उनका जो डिक्लाइन था उनका, वो कैसे हुआ कि उन्हें आर्यंस ने खदेड़ा, उनको हटाया वहाँ से, वो डिस्प्लेस हो गए और फिर साउथ की तरफ चले गए। एक कई सारी ये थ्योरीज हैं कि वहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई है, कोई डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से हुआ। तो इनमें से सबसे प्रमुख थ्योरी ये थी कि मैक्स मूलर ने जो दी थी कि वहाँ साउथ सेंट्रल एशिया से आपके आर्यंस का एंट्री हुआ, उन आर्यंस ने ही इनको धीरे धीरे डिस्प्लेस किया, और आर्यंस की एंट्री ऐसा नहीं था कि एक बार में कोई आक्रमण हुआ और फिर निकल गए सब यहाँ से। तो हुआ ये कि वहाँ कई लहर आई, मल्टीपल वेव्स में आए आर्यंस, वो कुछ कुछ सालों के अंतर पे ऐसे आते गए, और फिर धीरे धीरे आक्रमणों से इनका धीरे धीरे विनाश होता गया, और ये सैंधव सभ्यता जो है अपनी डिक्लाइन पे आ गई, और फिर यहाँ पर धीरे धीरे जो सप्त सैंधव प्रदेश था सिंधु नदी के आसपास और उसके सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे इन्होंने कैप्चर किया आर्यंस ने। तो ये जो मैं आर्यन आर्य ये बार बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये किससे संबंधित है? एक्चुअली क्या है कि आर्य कोई एक प्रमुख जाति नहीं थी, कोई एक वर्ग ग्रुप, एक कोई जनजाति या कोई एक समूह नहीं था, बल्कि ये भारूपीय भाषा जो यूरेशियन जो लैंग्वेजेस हैं उनको बोले जाने वाले कई सारी जनजातियों का एक ग्रुप, एक समूह रहा होगा, जो किसी ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी के कारण इधर इंडिया में इन्होंने प्रवेश लिया। अगर सही पिक्चर देखा जाए तो कुछ हद तक ये बताते हैं कि उन लैंग्वेजेस में बहुत सारे कॉमन वर्ड्स थे, जो जैसे जानवरों के घोड़ा, भेड़िया, कुछ पौधे, कुछ पेड़, उनके उनके जो जो वर्ड्स हैं वो बड़े कॉमन हैं, मिलते जुलते हैं भारतीय भाषाओं में जो भी हैं। तो वो इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये यूराल पर्वत के आसपास के क्षेत्र, जो कि बड़ा ही ठंडा प्रदेश और प्रेरी वाला घास का प्रदेश है, तो उसमें प्रेरी नहीं, स्टेपीज के घास का प्रदेश, तो वहाँ पे यूराल पर्वत और ये आपका साइबेरिया का प्रदेश, फिर हिमालय से ऊपर, तो ये पूरा जो रीजन था ये बहुत ही कूल, एकदम ठंडा रीजन था, और ये शीतोष्ण जलवायु से प्रभावित एरिया था। तो यहाँ खाने पीने के
बहुत बड़ी संभावना नहीं थी, या तो हंटिंग करके, शिकार करके, या तो कि इन गैदरिंग करके इन चीज़ों से ही खाया पिया जाता था। तो इसलिए उनके पास एक, इन्होंने अपनी जीवन शैली में पशुपालन को अपनाया हुआ था, और ये अपना जो है जहाँ भी जाते थे, और ये जगह बदलते रहते थे, एक किसी फिक्स जगह पे नहीं रहते थे। तो पशुपालन, ये अपने पशुओं को एक साथ लेके डिस्प्लेस होते थे। तो अब देखें कि ये जो आर्यंस थे, इनकी एंट्री इंडिया में जो हुई है वो सप्त सैंधव प्रदेश, जो सिंधु नदी के आसपास का एरिया है, वहाँ पे स्टार्टिंग में ये बसे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके बाद जो सिविलाइजेशन जो जो शुरू हुआ, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता थी, और ये जो आने वाली सभ्यता है, जो इसके बाद वैदिक एज की जो है, वो ऋग वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। एक पशुचारण समाज था, फिर आगे चल के वो एग्रीकल्चर में काफ़ी वो हुए। तो इस तरह से हम इस पूरे वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में बांटते हैं। एक पहला है ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक पीरियड एंड पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड। तो ऋग वैदिक पीरियड जो था, ऋग वैदिक काल, इसमें हम पाते हैं कि ये एक तरह से निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। निर्वाह अर्थव्यवस्था मतलब कि आपको बस जीने के लिए खाना है, कुछ बचा के नहीं रखना है, और जैसे जैसे आपको मिलता जाए खाने का सामान, उसको यूज़ करिए और फिर दूसरे खाने के सामान के लिए आगे बढ़िए। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था थी, और ये पशु पालते थे और शिकार भी करते थे। तो ये स्टार्टिंग प्रिमिटिव सोसाइटी थी, और इसमें क्या है, इन्होंने बहुत सरप्लस इनका नहीं बनता था। जो सरप्लस नहीं बनता था, तो इसमें यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस, यानी जो भी कृषि से उत्पन्न अधिशेष होता था, वो नहीं होता था। तो इसलिए, चूंकि कृषि ही नहीं होती थी, ये जंगलों को साफ करने वाली जो प्रक्रिया थी, और फिर आगे चल के कृषि करना, ये बाद के काल में हुआ। तो ऋग वैदिक काल में जो जो भी ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी नॉलेज मिलती है, वो सारा कुछ हमें वेदों से जो मिलता है, जो सैंधव संस्कृति थी सिंध की, उसमें हमें जो मिलता है वो पुरातात्विक अवशेषों से मिलता है उसकी जानकारी, हमें कहीं लिखित साक्ष्य उसका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी लिपि भले है, लेकिन उसको अभी तक डिकोड, उसका पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक उसको समझा नहीं जा सका। जब उसको पढ़ लिया जाएगा, जब उसकी लिपि समझ ली जाएगी, तब जाके हमें उसके बारे में और जानकारी मिल सकेगी। क्योंकि ये आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज में हो गई है शुरुआत से ही। तो वो हम उसको वेदों के माध्यम से हम उस समय को और अच्छे तरीके से जान पाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो वैदिक संस्कृति थी, इसमें वेदों का कितना महत्व था। एक्चुअली जो वेद थे वो जो वैदिक साहित्य था जिसे कहें, तो वो चार तरीके से उसके डिवीजन थे। एक तो वेद थे, चार वेद थे, और फिर उसके बाद उनका एक जो वेद होते थे वो देवताओं की स्तुति के लिए होते थे, मतलब डाइटीज की वो करने के लिए प्रेयर, और उनको जो है श्लोकों और छंदों के फॉर्म में लिखा गया था। तो वो थोड़े डिफिकल्ट होते थे, हर कोई नहीं समझ पाता था। तो उनको समझने के लिए, उनको सुनाने के लिए एक एक वो होते हैं जिनको होता बोलते हैं, जो एक एक उनको पढ़ने वाला जो होता है, एक होता होता है। उसके बाद जो उनका उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो ब्राह्मणाज एक अलग कैटेगरी की लिटरेचर है। ब्राह्मणाज में उन ब्राह्मणों में ये ब्राह्मण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दो ये वो ब्राह्मण नहीं है जो वर्ण व्यवस्था से है। ब्राह्मण का मतलब ये लिटरेचर साहित्य की एक क्लासिफिकेशन है, एक वर्गीकरण है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में वेदों का एक्सप्लेनेशन है, जो छंद और जो डिफिकल्ट वो चीज़ें हैं, सभी कुछ आसान सरल भाषा में उसको समझाया गया है ब्राह्मण
ब्राह्मण साहित्य में, कई सारे ब्राह्मण साहित्य हैं, चार वेद हैं तो चारों के अलग अलग ब्राह्मण साहित्य हैं। फिर उसके बाद आते हैं अरण्यक साहित्य, अरण्यक जो लिटरेचर है, अरण्यकास जो हैं उनमें सबसे खास बात यह है कि वो ब्राह्मण से थोड़े बहुत लिंक हैं, इसमें कर्मकांडों का ये जो है वो जो 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 ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण साहित्य है उसका डिटेल, और उसके बाद आने वाले उपनिषद साहित्य, दोनों का कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से। तो ये फिलोसफिकल भी है और रिचुअल भी एक्सप्लेन करता है। तो अरण्य का अरण्यक मतलब फॉरेस्ट, तो जो जो साधु संत या स्टूडेंट्स जो रहते थे जंगलों में उनके लिए विशेषकर ये बना था अरण्यक साहित्य लिटरेचर। इसके बाद का जो आता है उपनिषद, जो कि फिलोसफिकल डिटेल है और ये मेटाफिजिकल चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कस करता है, रिचुअल के नहीं। तो ये दो तरह के दो एक्सट्रीम हो गए, पहला वेद जो कि पूरी तरह से रिचुअल है, और फिर आगे बढ़ते जाएं तो हम तो इन्हें संहिता भी बोलते हैं वेदों को, और संहिता के आगे बढ़ते जाएं तो ये उपनिषद जो एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम है जो एंड है, वो आपका मेटाफिजिकल चीज़ें उनके ऊपर डिस्कशन करता है। तो ये चार तरह के वैदिक लिटरेचर हैं, जिनमें से हम वेदों के बारे में देखते हैं कि वेद चार प्रकार के थे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्वेद। ऋग्वेद जो था उसमें 10 मंडल थे, और इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल पे ना जाते हुए, कई सारे उसमें हज़ारों में श्लोक हुआ करते थे और फिर कितने सारे मंडल थे। अब ये जो 10 मंडल थे ये सीरियली नहीं थे, एक्चुअली इनका सीरियल कुछ और था, लेकिन ये 10 उस तरह से बनाए गए हैं। तो 10वां जो मंडल था वो काफ़ी बाद में लिखा गया, और इसमें जो जो 10वां मंडल था काफ़ी शुरुआत में था, और कुछ मंडल हैं वो काफ़ी बाद में लिखे गए थे। तो जो 10वें मंडल में अगर देखें तो ये हमें ज्ञान होता है कि उसमें पुरुष सूक्त एक पाठ है जिसके अंदर वर्णों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जो चार वर्ण समाज में थे उनके बारे में बताया गया है। वो ब्रह्मा के किसी न किसी बॉडी पार्ट से बने हुए थे, उस तरह की डिटेल्स है उसमें। तो वो जो वर्ण व्यवस्था थी भाला की ऋग्वेद में बताई गई है, लेकिन पशुचारण समाज जो ऐसा था इनका, और इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखती कि ये इस तरह का इनका डिवीजन सोशली और इकोनॉमिकली हो। हो सकता है सोशली डिवीजन हो, लेकिन इकोनॉमिकल इसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि इनके पास सरप्लस ही नहीं होता था, एग्रीकल्चरल सरप्लस ही नहीं है, तो वो उसका इकोनॉमिक गेन नहीं ले सकते, उसकी वजह से सोशल डिवीजन ऐसा होगा ही नहीं। ये चीज़ हुई है, ये उत्तर वैदिक काल में जाकर ठीक से हुई है कि यहाँ एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, बहुत सारा जंगल साफ किया गया, और फिर उसके बाद नदियों के किनारे पूरे खेती की गई, वो सेटलमेंट्स हुए। तो वो उन 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 सभी में क्या हुआ कि समाज में जो जो वर्ण निर्धारण हुआ, इनमें जो उच्च वर्ण थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्होंने ज़्यादातर सभी कुछ अपने आप को कंट्रोल में रखा, सारा कुछ इकोनॉमी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी वजह से वो ज़्यादा लाभान्वित हुए, और जो नीचे के वर्ग थे उन वो थोड़ा सा उनसे पीछे रहे। तो ये जो डिवीज़न है ये आगे के काल में चल के चलता है, जो शुरुआती ये जो ऋग्वैदिक पीरियड है इसमें ऐसे ही था। तो रिचुअल्स, हाँ हम बात कर रहे थे इनके बारे में कि वेदों के बारे में, ऋग्वेद में आपके जो डिटेल्स दी हुई हैं वो श्लोक और छंदों के माध्यम से, कई सारे इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। तो इनको जो गाने इनको जो सुनाने वाला था वो ब्राह्मण होता था, उसको होता बोलते थे, और ये इनके साथ कुछ गायन भी होता था, वो आपका सामवेद में दिया हुआ है, जो कि इसके गाने को वो करता था, तो उद्गाता बोलते थे उसको। और एक यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में आपको जो है कर्मकांडों के बारे में डिटेल दिया हुआ है, और उनको सुनाने वाला जो था अध्वर्यु था। कर्मकांडों मतलब जो भी रिचुअल्स हैं
उसकी उस उसमें क्या क्या कैसे जो जो यज्ञ होगा उसकी सामग्री क्या होगी, उसका तरीका कैसे होगा, वो सारे कर्मकांड, वो डिटेल सारी आपके इसमें यजुर्वेद में दी होती थी और वो अद्वर्य उनको सुनाता था। एक अथर्वेद है, अथर्वेद जो है आपका इसमें इसमें साइंटिफिक डिटेल्स है, तंत्र मंत्र है। और अथर्वेद में खास बात यह है कि जो भी प्रॉब्लम आती है इनको यज्ञ में या किसी इन कर्म कांडों में, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के तंत्र मंत्र दिए हुए हैं। तो ये अथर्वेद, इसमें अथर्वेद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपका आयुर्वेद इसी से डराइव हुआ है, उसी का पार्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर देखा जाए, एक समराइज़ किया जाए, तो आपका ज्ञान से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड जो है वो ज्ञान, ज्ञान वेद उसे बोला जाए या ज्ञान कांड कहा जाए, तो ऋग्वेद है ज्ञान कांड। और अगर सामवेद को देखा जाए जिसमें गायन होता है, तो वो जो कि जो सामवेद है वो म्यूज़िक का भी बेस है इसमें, आपके क्लासिकल म्यूज़िक का बेस। तो सामवेद जो है वहाँ उपासना कांड है, एक तरह से प्रार्थना, उसमें गायन। तो ज्ञान कांड हो गया ऋग्वेद, उपासना कांड हो गया आपका ये सामवेद। और अगर एक इसमें इम्पोर्टेंट सबसे, तो कर्म कांड यजुर्वेद में आता है, और फिर फाइनली जो साइंटिफिक डिटेल्स है यानी विज्ञान कांड आपका आयुर्वेद में आता है। ये छोटा सा डिटेल है, बाकी आप बुक्स में बहुत सारी इसकी ट्रिवियल डिटेल्स पा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बाद जो पशुचारण समाज जो था अपनी प्रगति पे जब ऐसे आया कि अभी तक इसमें लोहे की खोज नहीं हुई थी, आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, आयरन की प्रॉपर यूज़ के बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चरल टूल्स में भी अच्छी तरह से आयरन का यूज़ हुआ। प्लगिंग में अगर आपको मिट्टी से कुछ खोदना हो ज़मीन को, या जंगलों को साफ करना हो, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो जंगलों को साफ करने में सबसे बड़ा हाथ इसका लोहे का रहा। तो लोहे का जब आविष्कार हुआ, लोहे की खोज हुई, तो लोहे से बनी चीज़ों का आविष्कार हुआ, उसके टूल्स बनाए गए, वो जितने भी औजार थे सब जंगलों को साफ करने में, खेती में बेहतर वो बनाने में। तो ये एक तरह से बड़ा डेवलपमेंट था। और ये नदियों के किनारे, और फिर ये जो सप्त सैंधव प्रदेश थे, इन सप्त सैंधव प्रदेश से और आगे की ओर बढ़े और गंगा घाटी की तरफ, गंगा यमुना दोआब के बीच के एरिया में पूरा ये सेटल होते गए, और ये आर्यों का विस्तार इस तरह से होता गया। तो ये आगे की ओर, आगे आने वाले समय में ये बढ़ते हैं, और उत्तर वैदिक काल में देखा जाता है कि एग्रीकल्चर में पूरी तरह से ये आ जाते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण समाज का निर्माण होता है, और यहाँ वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से लागू होती है। और फिर जो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होता था, जो जो उत्पादन होता है, उसका हिस्सा लिया जाता है बड़े वर्गों द्वारा। और इस तरह से सरप्लस का जो पूरा कंट्रोल था, ये इनके हाथ में आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा समाज का डिवीज़न हुआ। फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरह से यही छोटे छोटे जो कम्युनिटीज़ थी अलग अलग जगह पे, सेटलमेंट्स थे, ये फिर आगे चल के बड़ा, और क्षेत्र बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, और फिर ये बड़े जनपद बनते गए, और फिर वो जनपद कई जनपदों को मिला के महाजनपद बनते गए। और फिर आगे हम देखेंगे कि ये 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। उन 16 महाजनपदों में से कुछ, चार पांच महाजनपद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, जिनमें से एक मगध था। मगध जो आगे चल के सबसे बड़ा वो टर्निंग पॉइंट था, वहीं से पूरे भारत का भौगोलिक विस्तार जो एक कंट्रोल में आ गया। तो वो आगे मौर्यन और गुप्ता एजेस में हम जानेंगे। ठीक है, ये छोटा सा डिटेल था ऋग वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं महाजनपदास, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो ये ब्राह्मणी जो जितने भी कर्मकांड थे, और इनसे इनसे समाज में किस तरह से असंतोष पैदा होता है, और फिर एक नए तरह के एक धर्म के उसमें
परिवर्तन होता है कि इस असंतोष काल की वजह से नए धर्म जैसे बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू। आर्यों के सेटलमेंट के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को अगर हम देखें, भौगोलिक विस्तार आर्यों का, तो पहले तो हम देखते हैं कि यूराल पर्वत से ये आए थे और फिर धीरे धीरे सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में जो सप्त सैंधव प्रदेश हैं उनमें जाके सेटल हुए। सप्त सैंधव प्रदेश थे कि पहले पहले तो हम इनके सेटलमेंट को दो भागों में देखते हैं कि एक ऋग्वैदिक काल में ये सेटल हुए शुरुआती दौर में कुछ सात नदियों के पास, सिंध के पास, और फिर उसके बाद ये उत्तर वैदिक काल में जाकर आगे अपना विस्तार और करते हैं। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती है और फिर इनके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बढ़ते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला ऋग वैदिक काल में ये सप्त सैंधव प्रदेश में थे। सप्त सैंधव मतलब सात नदियों का, ये अभी इन नदियों को इन रेड वाले से नाम से जाना जाता है और पुराना नाम इनका ये था सिंधु, वितस, तस्किनी, परुषनी, बिपाशा, सतुद्री और सरस्वती। ये सात नदियाँ थीं। ये इनके आसपास ही ये या तो सिंध सिंध और उसके सहायक नदियाँ हैं, इन्हीं के आसपास ये सेटल हुए थे। और उस टाइम पे बहुत सारी कम्युनिटीज़, छोटे छोटे कबीलों में ये विभाजित थे, जिनमें से पांच प्रमुख कबीले थे, जिनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भरत है, भरत कुल, जिसमें जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। फिर इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल में जो सेटलमेंट आता है वो देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार इनका कैसे हुआ। देखिए, ये ऋग्वैदिक काल तक ये पंजाब तक ही सीमित थे, या फिर कहें कि गंगा जमुना के दोआब के छोर तक ही सीमित थे, और फिर आगे करके ये गंगा जमुना दोआब तक ही भी कवर करते हैं, फिर दिल्ली का पूरा क्षेत्र लेते हैं, और इस तरह से तो सप्त सैंधव प्रदेश के ये काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। बढ़ते बढ़ते इनका सेटलमेंट, तो उनमें जो सबसे छोर पर रहते थे वो कुरु और पांचा कुरु रह कुरु कुरु क्षेत्र था, कुरु कबीला जो था। अब ये जो कुरु कबीला था, ये कैसे बना, इसमें आप ये देख सकते हैं कि पहले भरत जो वो था उसको और पुरु क्षेत्र दोनों मिलाकर कुरु बना, और फिर ये आगे चल के कुरुक्षेत्र में सेटल हुए। और ये जो कुरुक्षेत्र में जो सेटल हुए, ये पांचाल के साथ इन्होंने मिल के, अब जैसे अपर क्षेत्र में, अपर रीजन में ये कुरुक्षेत्र रीजन था, लेकिन फिर आगे चल के ये पांचाल यानी और नीचे आए तो मिडल मिडल रीजन आता है, वहाँ पांचाल रहते थे, तो उनके साथ ये संपर्क में आए, उनसे मिल के इन्होंने फिर वो किया, तो हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। हस्तिनापुर आप आज के टाइम पे मेरठ को जानते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, ऐसे ये संचालित करते थे और वहीं अपना सेटलमेंट किया। फिर आगे चल के इनका युद्ध हुआ आपस में, और उस युद्ध को आप भारत युद्ध के नाम से जानते हैं, जो ज़्यादातर इससे महाभारत के नाम से फेमस है। महाभारत एक बड़ा काव्य है, महाकाव्य, उसमें इसकी आप डिटेल देख सकते हैं। तो आगे चल के क्या हुआ था कि इसमें हस्तिनापुर में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से इनका सेटलमेंट फिर आगे और विस्तार होता गया। तो इस बोर्ड में तो मैं नहीं ठीक से दिखा पाया, लेकिन अगर आगे देखें तो ये इलाहाबाद और कौशाम्बी का जो क्षेत्र है इसके यहाँ तक ये एक्सटेंट यहाँ तक आ गए, और फिर यहाँ पे इन्होंने सेटलमेंट किया। तो कौशाम्बी भी अपने आप में पुराना रीजन था, तो वहाँ से फिर और आगे ये चलते गए, तो फिर काशी तक पहुँचे और फिर मगध तक का एरिया कवर किया। तो इस तरह से इनका धीरे धीरे सेटलमेंट हुआ, तो उत्तर वैदिक काल के टाइम पे और फिर मगध के पास तक का, वहाँ फिर वहाँ से लेके और इधर पूरा 16 जनपद का प्रदेश धीरे धीरे बनता गया, महाजनपद बने। पहले तो जनपद थे, फिर धीरे धीरे महाजनपद बने, तो 16 जनपदों के 16 महाजनपदों के बारे में आपको बाद में डिटेल बताऊँगा। ये तो इनका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था, ये आर्यों का भौगोलिक विस्तार।